असलम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मेरे पास आई है बथें बड़ी वाली। गाइस मैं कई दिन से बथें पालने का सोच रहा था कि बथें लेकर आऊँ, बथें पाल के देखें कैसी होती हैं। क्यों गाइस मैंने मुर्गी पाली, खरगोश भी पाले। तो बथों का मैंने किसी को बोला हुआ था, उसने मुझे रात को बथें ने भेजी थी। बस कई दिन का मैंने बोला हुआ है, कल रात को आई है वो बथें। तो कल रात को मैंने उनको बाहर ही छोड़ दिया था, अपने जो पीछे बैक यार्ड वहाँ जगह है, मैंने वहाँ पर उसे छोड़ दिया था। उसके लिए गाइस मैंने खास कोई जगह नहीं बनाई है, क्योंकि अब सर्दियाँ भी ऐसा ऐसा आ रही हैं और रात को पता है सर्दियों में छोड़ जाती है, तो जानवर को बाहर छोड़ोगे तो जाहिर बात उसको सर्दी लग जाएगी, फिर मर जाएगा। तो गाइस मैंने ना सुबह से मैं पीछे ही था, जगह सेट कर रहा था उनके लिए। आधी तो मैंने उसकी जगह मतलब के जो केज कह लिया, फिर जहाँ पर उन्हें रखना है वो जगह आधी मैंने सेट कर दी है और आधी वो रहती है। तो जोड़ा जोड़ी है, अभी नाम वगैरह नहीं रखा, नाम वगैरह रखेंगे। तो अभी चलते हैं नीचे, और नीचे जाके ना जाके मैं आपको उनकी जगह दिखाता हूँ, बथें दिखाता हूँ। वो जो हाफ काम किया है वो तो अभी कर लिया है, बाकी जो आधा रहता है वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए थी टूड़ी कैंटो की जगह के लिए। क्या जहाँ पर वो अंडा देती है ना, वहाँ पर मैंने टूड़ी रख ली थी। तो टूड़ी फिर ना रात को तो आ नहीं सकती थी, दिन को ही आ सकती थी, तो फिर मैंने इसलिए वो टूड़ी मैं अभी लेकर आया हूँ। तो वो भी रखेंगे, और वो खाना पीना, क्योंकि रात को मैंने उनको रोटियाँ वगैरह दी थी, कम ही खाई थी। वो मैंने सुना है कि घास वगैरह खाती है, तो वो भी मैं लेकर आऊँ, वो भी उसको खिलाकर देखेंगे, वो खा लें तो अच्छी बात हो जाएगी। अब चलते हैं नीचे, नीचे जाके मैं आपको बथें दिखाता हूँ, और जो उसका घर बना रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे मैं आ चुका हूँ, ये रही हमारी बथें गाइस। ये जो आपने वो ब्लैक और वाइट कलर का देख रहे हैं गाइस, वो मेल है, और ये जो आप फुल वाइट आप देख रहे हैं ये गाइस फीमेल है। तो अब गाइस इनका जो है गंद कचरा उन्होंने कितना किया है, उनको मैंने पानी भी डाला था, डबल रोटी भी डाली, और चाय की पत्ती वगैरह वो भी उनको डाला है। तो ये देखो, ये वैसे गाइस बहुत बड़ी हैं, शायद कैमरे में छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। तो अब गाइस इनकी जो कि मैंने जो जगह बनाई है ना, वो ये वाली जगह बनाई है। ये गाइस ये वॉशरूम था, तो ये वॉशरूम था, और ये था बाथरूम जहाँ पर नहाते हैं वो था, और इसके अंदर कबाड़ था। मैंने सोचा था यहाँ पर रखूँगा, और ये देखो मैंने जगह भी इनके लिए बनाई थी, मगर यहाँ पर मैं नहीं रख सका क्योंकि यहाँ पर कबाड़ है। तो इसलिए मैंने सोचा इसके अंदर ही रख लेते हैं, और ना इसलिए फिर मैंने इसको ढक दिया वॉशरूम को, अपना जो कि कमोट है उसको ढक दिया जो कह रहे हैं। बाकी फिर मैंने इसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल दिए। अब ये है गाइस इस कोने में ना मेरे अंडे वाली जगह बनानी है। ये वैसे तूड़ी है, इसको साइड में कर देते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं ये गत्ता है, ये मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, क्योंकि रात को इस कमरे में हफ्स होती है, इसलिए ये मैं आधा लगाता हूँ और आधा ये खुला रहता है हवा वगैरह के लिए, और नीचे से ये बिल्कुल बंद होता है, कुछ चीज़ों को तंग ना करे। बाकी गाइस अगर सर्दियाँ आएंगी ना, फुल सर्दियाँ, तो फिर हमारा ये वाला दरवाज़ा काम में आएगा, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी गर्माइश रहेगी और बिल्कुल सेट है। वरना अगर पिंजरा इनके लिए बनाओ तो इतना बड़ा पिंजरा बंदा बना भी नहीं सकता है, कि बथें बड़ी हैं, जगह इनके लिए बड़ी होनी चाहिए, अच्छी खासी जगह है, ठीक है। अब मैं ईंटें वगैरह ले आता हूँ और यहाँ पर ईंटें लगाना शुरू करता हूँ, और फिर इसके अंदर हम ये जो तूड़ी पड़ी है, छुप गई है थोड़ी, ये तूड़ी हम यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे। तो जल्दी से मैं ईंटें ले आता हूँ। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जैसे इनके आप लोग करीब जाओगे ना, ये आवाज़ निकालती हैं, गुस्सा करती हैं। देखो अभी आवाज़ निकालेंगे, बिल्कुल मामूली सी, ये देखिए आवाज़ निकाल रही। ये देखो चलती कैसे इनकी पाँव की आवाज़ें, देखो इनके पाँव में ना इस चलने की आवाज़ भाई टक 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 करके आती है, जैसे हम लोग ताली बजाते हैं ना वैसे। इधर तो ईंटें मैंने यहाँ पर ला कर ना जमा कर ली हैं, तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग ईंटें लगा लेते हैं। ये बड़ी बथें तो तकरीबन इतनी जगह तो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ईंट रखते हैं, इतनी जगह सही है इनके लिए, और यहाँ पर टोटा आएगा ना, तो टोटा अपना ये वाला, ठीक है। इसको इसको थोड़ा पीछे करेंगे, एक मिनट मैं इसको बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो मैंने जगह इनके लिए बना ली अंडों वाली, और तकरीबन मैंने दो रद्दे दिए हैं इसके अंदर। अभी मैं तूड़ी डाल लेता हूँ, तो तूड़ी हमारी बाहर पड़ी है, ये रही तूड़ी अपनी। इस तूड़ी को हम लोग खोल लेते हैं, तो आखिरकार गाइस कट्टे का मुंह खुल चुका है, उसको डाल देते हैं अंदर। ये तो फंसी गई अंदर, ठीक है जी, इतनी तो सही है, थोड़ी सी और डाल देते हैं। बाकी बचा के रख लेंगे, काम वगैरह आती रहेगी।
जमीन में बिछाने के लिए, जब सर्दी आएंगे ना जमीन में बिछा लेंगे। थोड़ा ना दरमियान में से ना खड्डा कर देते हैं, ऐसे लगे कि ना घोंसला है। लग रहा खड्डा? पता नहीं आप लोगों को लग रहा है नहीं लग रहा, मुझे तो बिल्कुल वाजे नजर आ रहा है। हाँ देखो कैसा आलीशान बनाया मैंने। इस कट्टे को वापस बाहर रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं A few moments later. के लिए जगह साफ कर दी, क्योंकि मैं भी ना इनको घास देने लगा हूँ। मतलब जगह इनकी साफ हो, अगर यहाँ पे मैंने घास रख दिया तो जगह गंदी है, फिर शायद खाए ना। और इनका गैस टब भी साफ कर देता हूँ, इसके अंदर इनको पानी डालता हूँ ताकि नहा लें। मैं पानी लेकर भी आया हूँ, ये रहा पानी, और इसको उठा लेते हैं। होए होए भारी है। तो अब गैस इसके अंदर ना हम लोग पानी डाल देते हैं, इसको मैंने साफ तो कर लिया है, और ये रहा इसका पानी। मैंने एक और काम भी करना है, वो भी करता हूँ। ये देखो आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनके लिए गए स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, इनका अपना जाती जिसके अंदर ये नहाए, क्योंकि ये पानी का जानवर भी है, इसको पानी भी पसंद होता है। मैं कोई जगह सिलेक्ट करूँगा और वहाँ पर हम लोग ना इनके नहाने की जगह बनाएंगे। मैं सोच रहा था इनको नहला दूँ, कोई डब्बा लेता हूँ, पानी पड़ा है इनके ऊपर, थोड़ा पानी मार लेते हैं। तो जब तक हमारे पास कोई स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है ना, इनको ऐसे नहलाना पड़ेगा जुगाड़िया तौर पर। नहा लो नहा लो। भाग गई एक तो ये, आ जाओ आ जाओ भाई, आएंगी तो दोबारा नहला देंगे। इनके लिए मैं घास वगैरह ले आता हूँ। तो बस मैं ना थोड़ी देर के लिए अंदर गया था, और ये लोग ना पानी से नहा रहे हैं। मैंने अभी बाहर आया हूँ और उनको देखा है, ये देख लो हल्का सा पानी मुंह से उठाती है, अपने ऊपर गिराती है, साफ करती है। यहाँ पर अगर हम लोग पानी का तालाब बनाएंगे ना, ये तो नहाएंगे इतने अच्छे लगेंगे। चलो तो बस ये मैं ना मकई के कह लो उसके डंठल हैं, ये इनको डाल के देखते हैं ये लोग खाते हैं या फिर नहीं खाते। थोड़ा सा ऊपर करके रख देते हैं, खाना होगा ना खाते रहेंगे। और मैंने इनका ना ये रोटी भी उठा ली थी, ये भी इनको डाल देते हैं, दिल खैर करे तो खा लेंगे, ये ज़बरदस्ती नहीं है। सिखा तो रही हैं। चलो अच्छी बात है, वैसे रोटी इतनी शौक से नहीं खाते, ये ज़्यादा शौक से खा रही है। वो मेल गैस थोड़ा सा घास लेता है और ना फिर पानी पीता है। तो वैसे मैंने इनको खाना पीना डाल दिया, और वैसे मैं आऊँगा रात को 11 बजे इनको बंद करने के लिए। अभी घूमते फिरते रहें, खाना खाते रहें, तो फिर आएंगे रात को। सारा बच चुके हैं और ना थोड़ी मोटी ठंड भी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ इनको बंद कर दूँ। तो अभी इनकी जगह पर इन्हें बंद कर देते हैं, मैंने वो जगह बनाई थी ना वहाँ इनको बंद कर देते हैं, जल्दी से इनको अंदर कर देते हैं। चलो भाई अंदर चलो 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 चलो, शाबाश। इनको थोड़ा सा ना घेरना पड़ेगा और अंदर की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। किधर जा रही है? चलो चलो भाई, नहीं 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 उस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं। ये भाग जा रही है। चलो 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 चलो, अंदर उनको नजर नहीं आ रहा, जगह खुली है भाई, जाओ। ये लोग गाइस अंदर नहीं जा रहे, इनको मैं अंदर डाल लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आखिरकार मैंने इनको अंदर बंद कर दिया है, बड़ी मुश्किल से ये लोग गए अंदर। और ये जो मैंने गत्ता टाइप है ना, ये लोहे की चादर है, ये मैं रख देता हूँ दरवाजे के तौर पर। हाफ अपना यहाँ से मुंह खुला हुआ है, और इतना ना
तकरीबन इतना बंद है, ठीक है, कोई अंदर चीज़ नहीं जा सकेगी, बिल्ली वगैरह, वैसे बिल्ली वगैरह इनको तंग तो नहीं करती है, ये हवा के लिए हमारे बिल्कुल सेट है, हवा यहाँ से आ सकती है, हल्की फुल्की ठंड होती है, ज़्यादा रात को ठंड नहीं होती है, तो इतना ना हो कि ऐसे नहीं हफ्स की वैसे मर जाएँ, तो इसलिए ये बिल्कुल सही जगह है। और मैंने सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये मैंने कार्ड लगा दिया है, अभी व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड, बस ये आखिरी दफ़ा इनको देख लेते हैं। और गाइस एक और चीज़, यहाँ पर ये लोग ना ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी, मोटी बहुत ज़्यादा है ना ये, तो ये मैंने 3 4 ईंटों के रद्दे, 3 4 नहीं सॉरी, हाँ 3 ईंटें लगाई हैं मैंने, नीचे एक रद्दा दिया है और ऊपर एक छोटी सी ईंट लगाई, इनको एक पाँव यहाँ रखेंगी, फिर यहाँ रख के अंदर जाने में उनकी आसानी हो रही है, वरना ये लोग यहाँ पर गिर रही हैं और मोटी बहुत है ना इसलिए। ठीक है, बेचारी थक गई हैं, बैठ गई है, तो ब्लॉक को करते हैं यहाँ पर ही है। तो बाल मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, बाल मैंने कटवाए थे, और गए आने वाले वक्तों में ना मैं अपनी बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी बनाऊंगा, क्योंकि यार स्विमिंग पूल की इनको बहुत ज़रूरत है, ये जैसे मैंने शाम को उनको पानी डाला था, पानी से खेल रही थी, क्योंकि ये पानी का जानवर भी है, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे स्विमिंग पूल भी बनाएंगे इनका। तो आज के ब्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड, अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद होता है लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।